बच्चों, तो आज मैं शुरू करने वाली हूँ चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, है ना। चैप्टर 5 के कुछ जो पॉइंट्स हैं बेसिक, वो आपको क्लियर होने चाहिए, उसके बाद हम इसके एक्सरसाइजेस करेंगे। तो पहले मैं बताती हूँ आपको एंगल, एंगल एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं। राइट डाउन एंगल, पहला हेडिंग डालो आप एंगल, एंगल्स एंड इट्स टाइप। अब मैंने पिछली वीडियो में तो बताया है कि आपको एंगल्स क्या होते हैं, है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो आप देखिए, नहीं तो फिर मैं इसमें बता रही हूँ, ठीक है। एंगल एंड इट्स टाइप, एंगल बेसिकली क्या होते हैं, जो एक पॉइंट से दो रेज अगर जा रही है तो वो एंगल फॉर्म कर रही है ना। वो डेफिनेशन उसकी मैं लिख के बताती हूँ। देखो यहाँ पे एन एंगल इज मेड अप ऑफ एनी टू रेज, एनी टू रेज विच हैव द सेम, विच हैव द सेम एंड पॉइंट, सेम एंड पॉइंट, ठीक है। सेम एंड पॉइंट जिसके होते हैं, या सेम एंड पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, तो उसको हम बोलेंगे एंगल्स। नाउ इसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया, जैसे ये मैंने पॉइंट लिया, ये स्टार्टिंग पॉइंट कह लो या फिर एंड पॉइंट, यहां से एक रेज ये जा रही है, एक रेज ये जा रही है, दैट मीन्स कि ये एंगल हो गया, है ना। अब आप इसका नाम रख दो एंगल ए, ये यहां पर एंगल हो, ठीक है, तो ये एंगल का काम कर रही है। नाउ अब इसका टाइप क्या होगा, ठीक है, लिखते हैं यहां पे इसको समझाने के लिए। यहां पे इट कैन, सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द मूवमेंट ऑफ, इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द मूवमेंट ऑफ क्लॉकवाइज, लाइक क्लॉक हैंड देखा है ना आपने, वॉच, तो ये पूरा चैप्टर भी वॉच पे बेस्ड होगा, तो उसके लिए मैं लिख रही हूं ये मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड, ठीक है। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय द मूवमेंट ऑफ क्लॉक हैंड्स। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इसमें, नेक्स्ट पॉइंट लिखो यहां पे, व्हेन अ क्लॉक हैंड मूव्स इट फॉर्म्स एंगल्स, है ना, इट फॉर्म्स एन एंगल, है ना। अगर आपने देखा होगा उसमें राइट एंगल भी बनते हैं एंड ऑब्ट्यूज भी बनते हैं एंड ऑन, ठीक है, एंगल। अब यहां पे हमें टू मेजर द एंगल, टू मेजर द एंगल अ प्रोटेक्टर इज यूज्ड, राइट, प्रोटेक्टर तो यूज करना पड़ेगा, है ना। अगर वो स्ट्रेट एंगल है, अब यहां पे एक पॉइंट में लिखो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री, एंड राइट एंगल क्या होता है, सबको ही पता होना चाहिए ये चीज, राइट एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो ये कुछ एंगल के बारे में बातें हो गई। जैसे मैं फिर से क्लियर कर दूं, एंगल जो होता है वो टू रेज से बनता है, स्टार्टिंग पॉइंट सेम होती है। एंड अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसको क्लॉक हैंड से समझ सकते हो। नाउ जब क्लॉक हैंड मूव करता है तो वो एंगल फॉर्म करता है, तो वो एग्जाम्पल हो गया उसका, ठीक है। अब इसको मेजर करने के लिए हमें प्रोटेक्टर चाहिए, जो एंगल होता है, उसके बाद जो हमें पता है स्ट्रेट एंगल एंड राइट एंगल्स की वैल्यू ये होती है, ठीक है। नाउ मूव करते हैं हम इसके टाइप्स, है ना, बेस्ड ऑन डिग्री इसके टाइप्स होते हैं, बेस्ड ऑन एंगल के भी टाइप्स होते हैं, है ना। तो फर्दर हम डिवाइड करेंगे इसको, यहां पे लिखो हेडिंग बेस्ड ऑन डिग्री एंड एंगल क्लासिफाइड इंटू थ्री मेन टाइप्स, है ना। तो एंगल जो डिग्री के बेस पे होता है
तो देखो पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल्स की क्या होती है, जब व्हेन एंगल मेजर लेस देन 90 डिग्री, राइट ऑन, यहां पे व्हेन एन एंगल मेजर इज लेस देन राइट एंगल ना, बेसिकली 90 डिग्री है ना, आई होप आपको ये क्लियर होगा, अक्यूट एंगल जो लेस देन राइट एंगल से। सेकेंड विल बी ऑप्टूस, ऑप्टूस एंगल है ना, व्हेन एन एंगल मेजर मोर देन, व्हेन एन एंगल मेजर मोर देन राइट एंगल बट लेस देन स्ट्रेट एंगल, क्योंकि स्ट्रेट हो जाएगा तो वो 180 हो जाएगा ना बेटे, तो इसलिए स्ट्रेट एंगल, तो वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। नाउ सेकेंड, थर्ड क्या हो जाएगा, राइट एंगल है ना, सॉरी राइट तो मैंने बता दिया, राइट थर्ड वन हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इज व्हेन एन एंगल मेजर मोर देन स्ट्रेट, तो वो हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, सिंपल। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नाउ मूव करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। नाउ इसमें एक पॉइंट और ऐड करो, 90 डिग्री जो एंगल है वो कब और फॉर्म होता है, अगर हम इसमें लिखते हैं इफ, राइट ऑन इफ, इफ टू इंटरसेक्टिंग, इफ टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर परपेंडिकुलर है ना, तीन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, इट फॉर इट एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन है ना देम इज 90 डिग्री, राइट। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप समझ जाओ, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, इंटरसेक्ट करे लाइक ऐसे ऐसे है ना, तो वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है। राइट ऑन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स एंड इट्स टाइप, अब ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल इज क्लोज्ड फिगर होता है बेसिकली, वो भी पॉलीगन होता है जो थ्री साइड से बनता है, तो जस्ट उसको राइट डाउन है ना, अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री है ना, ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री साइड्स, थ्री इंटीरियर एंगल्स है ना, तो ट्रायंगल बेसिकली ऐसे बन जाता है, दिस इज ट्रायंगल। नाउ इसके टाइप्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स क्लासिफाई करता है, क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड एंगल्स है ना, तो पहले हम इसके जो साइड्स है ना उसके बेस पे क्लासिफाई करेंगे, राइट डाउन, ट्रायंगल्स can be classified based on their lengths, sides and angles है ना, तो इस basis पे हम इसको classify करते हैं, तो पहला देख लो आप है ना, first one is based on इट्स साइड, तो साइड के बेसिस पे हो जाएगा फर्स्ट स्केलेन ट्रायंगल,
राइट डाउन स्केलिन, है ना, हेडिंग डालो स्केलिन। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो रहेंगे। इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद ना तो आपके जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व होंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा स्केलिन, स्केलिन ट्रायंगल क्या होते हैं पहले तो ये देखो। स्केलिन ट्रायंगल जो होते हैं ना, इनके तीनों साइड जो है डिफरेंट होते हैं। ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, सिंपल। नाउ सेकेंड वन इज आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, एनी टू साइड्स आर इक्वल, दो साइड्स इसमें जो होती है वो इक्वल लेंथ की होती है। नाउ थर्ड वन इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्या होता है, जस्ट स्केलिन का अपोजिट। ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। आई होप आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। नाउ सेकेंड वन इज बेस्ड ऑन देयर एंगल्स, है ना। तो जो अभी हमने पीछे पढ़ा है अक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स, बेसिकली वही होते हैं जिसमें जो हम ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे, उसमें 90 डिग्री से लेस देन, तो इसमें भी वही चीज होती है। अक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम उसको देखते हैं फर्दर डिविजन करके, राइट। नाउ बेस्ड ऑन, राइट डाउन, बेस्ड ऑन इट्स एंगल, फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा, ऑल द एंगल्स आर अक्यूट, जितने भी एंगल्स होंगे ना वो, और सॉरी मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिखा ना, तो इसमें क्या होगा, एनी एंगल इज राइट एंगल, मतलब बेसिकली कोई भी एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जस्ट राइट डाउन एनी वन एंगल इज द राइट एंगल, सिंपल सी बात है, 90 डिग्री का होगा, ठीक है। एनी वन एंगल इज राइट एंगल। नेक्स्ट सेकेंड वन इज अक्यूट कर लेते हैं, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, एटी मतलब एंगल ट्रायंगल ना। अक्यूट एंगल क्या होगा, ऑल द एंगल्स आर अक्यूट, ऑल द एंगल्स आर अक्यूट, सिंपल, ये क्लियर हुआ। थर्ड वन ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, बेसिकली 90 से ज्यादा होगी। एनी वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, राइट। आई होप आपको ये ट्रायंगल्स के क्लासिफिकेशन भी समझ में आए होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड एंगल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम पॉलीगन। व्हाट इज पॉलीगन, पॉलीगन बेसिकली क्या होता है, लिखो पॉली गन्स आर क्लोज्ड फिगर, क्लोज्ड जियोमेट्रिक, है ना, मेट्रिक शेप्स, फिगर ने शेप्स लिख लो, शेप्स having at least, having at least three sides, because two sides से कोई भी shapes नहीं बनती ना, three sides and three angles, है ना, two sides से कोई भी polygon नहीं बन सकता। now next based on, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स, ये कई टाइप्स की होती है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ साइड्स अ पॉलीगन इज मल्टीपल टाइप, है ना, मल्टीपल टाइप, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं इसके, हम मल्टीपल टाइप्स के होते तो हैं बट इसके हम एग्जांपल्स भी देखेंगे, है ना, कि क्या है इसके एग्जांपल्स। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, जैसे ट्रायंगल,
कितनी साइड्स होती हैं? थ्री. नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड्स होती हैं? फोर, है ना. तो ये नंबर ऑफ साइड्स हम लिख लें. नेक्स्ट क्या हो जाएगा? पेंटागन कितना कितनी साइड्स होती हैं? आप अपने माइंड में करिए, फाइव. नेक्स्ट हो जाएगा हेक्सागन कितनी होती है? सिक्स. नेक्स्ट हेप्टागन कितनी हो जाएंगी? हेप्टागन में सेवन. नो. नेक्स्ट हो जाएगा ऑक्टागन, इसमें होती है एट. एंड लास्ट में इसको हम नोनागन बोलते हैं. यहां पे दिख नहीं रहा है आपको? ठीक है, मैं नीचे लिखती हूँ यहाँ पे नोनागन. ए बेसिकली नाइन होती है इसमें साइड. ठीक है, उसके बाद आता है डेकागन लास्ट, जिसमें टेन साइड्स होती हैं. ठीक है, तो ये कुछ उनके साइड्स के बिहाफ पे ये कुछ टाइप्स है. ठीक है, नाउ लास्ट एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं. व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, है ना. ट्रायंगल तो हमने देख लिया, क्वाड्रिलेटरल और देखेंगे. पेंटागन बेसिकली पांच साइड होते हैं, एंड हेप्टागन एंड हेक्सागन का उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, बस साइड्स के बेस पे इसका नेम है. क्वाड्रिलेटरल्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, वो देखते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं अभी हम देखेंगे. ठीक है, क्वाड्रिलेटरल बेसिकली ये टाइप ऑफ पॉलीगन ही होता है, क्योंकि फोर साइड्स होती है ना, तो पॉलीगन आप लिख सकते हो, नहीं तो फिर जानते रहो, लिख लो. इट इज अ टाइप ऑफ अ पॉलीगन हैविंग फोर साइड्स. तो क्वाड्रिलेटरल है तो फोर साइड्स होंगी इसमें, फोर साइड्स, हैविंग फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स, फोर एंगल्स, है ना. इट इज अ मिनी, लाइक बेसिकली इसमें भी टाइप्स होते हैं, तो हम इसके टाइप्स देख लेते हैं, है ना. क्योंकि जो पॉलीगन होते हैं उसके हमने देख लिया, क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या आते हैं एग्जांपल्स में देख लेते हैं बेसिकली हम. फर्स्ट इज रोम्बस. रोम्बस क्या होता है बेसिकली? इट इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल जिसमें फोर साइड्स होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं. लिखो यहां पे, इट हैज फोर साइड्स एंड ऑल आर इक्वल. ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन. इट इज, इट हैव फोर साइड्स एंड ऑल आर इक्वल, है ना, सबकी लेंथ इक्वल होती है. नेक्स्ट विल बी, सेकेंड इज स्क्वायर. स्क्वायर क्या है? ये रोम्बस ही होता है बेसिकली. लिखो, इट इज अ रोम्बस विथ फोर साइड्स. फोर साइड्स, फोर राइट एंगल, क्योंकि ऑल एंगल, जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं. ठीक है, फोर एंगल्स, फोर राइट एंगल्स. थर्ड वन इज पैरेललोग्राम. व्हाट इज पैरेललोग्राम? इसमें जो है टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं. पैरेलल मीन्स कि जो ये इसके पैरेलल ही चल रही है ना, पैरेलल लाइंस वो होती है. मैंने फोर्थ चैप्टर में आपको टॉपिक्स में क्लियर करा है. पैरेललोग्राम क्या होता है? इट हैज टू पेयर्स ऑफ पैरेलल राइट, नो पैरेलल साइड्स, राइट नहीं बेटे, ठीक है, पैरेलल साइड्स, है ना. इसमें टू पैरेलल साइड्स होती है, जैसे कि मैंने स्केल के थ्रू बताया. नेक्स्ट जो वो क्वेश्चन नंबर फोर नहीं, नेक्स्ट टॉपिक फोर हो जाएगा पैरेललोग्राम के बाद रेक्टेंगल. ये क्वाड्रिलेटरल कर रहे हैं क्योंकि सब में फोर फोर साइड्स हैं. तो इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम जिसमें होता है फोर राइट एंगल ऑफ फोर राइट एंगल्स. ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आएगा. नाउ लास्ट एक ट्रेपेजियम होता है ना. लास्ट वन इज ट्रेपेजियम. ये क्या होता है? इसमें एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है. लिखो यहां पे, इट हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, है ना.
तो आई होप आपको ये सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अगर ये सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं तो आप जो है चैप्टर बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाले वीडियोस में मैं इसके एक्सरसाइजेस सॉल्व कराऊंगी, उसको देखना जरूर। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।